आ चुकी है वो सुबह जिसके लिए शायद इस कहानी की शुरुआत हुई हो। चार दिन हो चुके हैं और सबके साथ एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट हो चुका है कि अब कुछ अनजान नहीं लग रहा है, ना ही ये मुस्कुराते हुए चेहरे और ना ही यहाँ की ठहरी हुई खूबसूरती। गुड मॉर्निंग पीपल। सो ट्रैक का थर्ड डे है आज, ट्रिप का चौथा है बट ट्रैक का थर्ड डे है। इट्स अ वेंसडे और आज हम जा रहे हैं हर की धुन के लिए जो हमारा फाइनल पॉइंट है। और कल काफ़ी मौसम ख़राब रहा, काफ़ी बारिश हुई। अगर आपने लास्ट वाला व्लॉग देखा होगा तो आप देखोगे कि हम कैंप के बाहर भी नहीं निकल पाए थे। सो अब आज हमने दर्शन किए हैं, लाइक पीछे की जो वादियाँ हैं वो हमने भी आज ही देखी थी। सो मस्त व्यू था। जैसे ही हम सुबह उठे तो हमारे लिए भी एक सरप्राइज़ ही था। फिलहाल अभी हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके 7:30 या 8 बजे तक निकलेंगे हर की धुन के लिए। और यहाँ से जो डिस्टेंस है दैट इज़ लाइक ओनली अराउंड 2 to 2.5 किलोमीटर्स, तो ज़्यादा नहीं है। सो डेढ़ घंटा आई गेस अगर हम लोग चलते हैं प्रॉपर, 1.5 से 2 घंटे पहुँच जाएंगे। और फिर यहाँ पर एक मिरिंडा लेक है, अगर मौसम ठीक रहा और आगे बर्फ़ नहीं हुई तब हम लोग उससे आगे जाने की ट्राई करते हैं। तो फिलहाल अभी तैयारी शुरू हो चुकी है और कैंप साइट तो आप देख ही सकते हो यार, कितनी प्यारी लोकेशन है। मतलब यहाँ पे इस कैंप साइट पे हम 2 दिन रुकने वाले हैं, आज भी और कल भी। तो मैंने आपको बताया था ना कि इस कैंप साइट पे हम 2 दिन क्यों रुकने वाले हैं, उसका रीज़न ही यही है क्योंकि हम हर की धुन स्टे नहीं करेंगे, हर की धुन विज़िट करके आएंगे और आज यहीं रुकेंगे और कल फिर यहाँ से वापस निकलेंगे अपनी दूसरी कैंप साइट लोकेशन के लिए पीछे की तरफ। चलो चलते हैं। हम आगे मिरिंडा ताल जाएंगे। मिरिंडा ताल एक कैंप है, बड़ासू ताल को रास्ता जाता है, वो हिमाचल प्रदेश में खत्म होता है। तो एक जगह क्या है कि केंद्र बोलते हैं माउंटेन टॉप होती है, जो हाइट की लेक होती है वहाँ पर, एक पत्थर से ब्लॉक और रखी गई वाली रिवर जिसे काफी कलर और ब्लू कलर का एक रिवर बना, एक ताल बना हुआ और स्नो भी है वहाँ। सवा 8 हो रहा है, कल भी 8:15 हो रहा था जब निकले थे। तो स्टार्ट कर दिया हमने आज का जो ट्रैक है। डिस्टेंस कम है हर की धुन के लिए, 2 किलोमीटर के अराउंड। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हम मिरिंडा ताल भी जाएंगे क्योंकि मौसम अच्छा हो रखा है। इन केस अगर मौसम कुछ भी गड़बड़ होता है तब की तब देखी जाएगी।
घंटा हो चुका है चलते हुए और ये जो जंगल वाला रास्ता है ये ख़त्म होने वाला है। सो आई थॉट कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिर खुली धूप में चढ़ाई करनी है लाइक 40-50 मिनट, तो थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं और थोड़ी सी मन की शांति लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट फाइनली और मस्त नज़ारे हैं और नज़ारों को फील करने के लिए आपको यहाँ पर ही आना पड़ेगा यार। मतलब इतनी ऊंचाई पर नदी बह रही है और पीछे ये देखो, ये लेफ्ट वाली जो पीक है दैट इज़ द बैक साइड ऑफ स्वर्ग रोहिणी पीक, लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ स्वर्ग रोहिणी। और ये हमारी सेंटर में हर की धुन जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। एंड इधर जो आप रेंजेस देख रहे हो दिस इज़ द पार्ट ऑफ जौनधार ग्लेशियर, सो दीज रेंजेस कम अंडर द जौनधार ग्लेशियर रेंजेस। एक घंटा लगा पूरा मेरे को और लिखित को पहुंचने में, बाकी टीम आ रही है। सो लेट मी शो यू द विजुअल्स ऑफ मिरिंडा ताल, लेट्स गो। कभी कभी खूबसूरती इतनी असली होती है कि आपकी जिंदगी ही आपको एक भ्रम लगती है। मैं जरूर जानता था कि यह जगह सच है, पर शायद ये आंखें उसे धोखा मान रही थी। सब कुछ सही सलामत हो गया है, जो जो हमारे टारगेट थे, अब वापस पहुंचना एक लास्ट टारगेट है। वापस आ रहे हैं हर की धुन से, बारिश में भीगते हुए, इसका भी अपना मज़ा है, पर आज कोई टेंशन नहीं है भीगने की, भीग भी जाएंगे तो कैंप में ही जाना है। सो इस वीडियो में इतना ही,
हर की धुन से और मिरिंडा ताल से यही थी मेमोरीज और जो मैंने आपको दिखा दी हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा, खींचूँगा नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि ट्रिप अभी 3 दिन की बाकी है। सो वी विल कैच अप, बट साइनिंग ऑफ दिस वीडियो फ्रॉम हर की धुन, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।